अस्सलाम वालेकुम जी। आज काबली पुलाव बनाने लगी हूँ। ये एक पहले पहले भी मैंने आपको काबली पुलाव की रेसिपी दी हुई है, ये ज़रा सा डिफरेंट काबली पुलाव बनाने लगी हूँ। इसमें ज़रा कुछ एक दो चीज़ें स्पेशल होंगी, वो हम करते हैं। ये मैं पहले ऑलरेडी ट्राई कर चुकी हूँ, इसीलिए मैं आपको रेसिपी दे रही हूँ। मुझे वही रेसिपी देनी अच्छी लगती है कि जो मैं खुद खाऊँ और जो टेस्ट मेरा है वो मैं आप लोगों को बताऊँ। एक स्मॉल ऑनियन लिया, उसको स्लाइस कर दिया। देसी घी इसमें मैं डालूंगी। चने लिए हैं मैंने कि ये 1.5 कप था जो बॉयल हुए हैं, और फिर ये काफ़ी सारे हैं माशाल्लाह। चने हम ज़्यादा मैं डालती हूँ जी। 2 कप मैंने चावल लिए हैं। मैं थोड़ी शुगर जाएगी, अब इसका मैं आपको आखिर में बताऊंगी। मैं 2 चिकन क्यूब्स डालूंगी। थोड़े से मेवे हैं, काजू हैं, बादाम हैं, इनके ऊपर से मैं छिलके उतारूंगी, फिर डालूंगी। ये मेरी फ्रोजन गाजरें हैं, जो मैं आपको हमेशा कहती हूँ ना कि गाजरें जो सी हैं फ्रीज कर लिया करें, ये बिल्कुल ठीक रहती हैं। अभी ये पाकिस्तानी गाजरें हैं, इसलिए वैसे तो गाजरें बहुत मार्केट में हर वक्त अवेलेबल होती हैं। ये शान वालों का काबली पुलाव मसाला है, ये मैंने ऑलरेडी ट्राई किया है, मुझे बड़ा पसंद आया, बड़ा अच्छा है। लेकिन मेक श्योर कि आपने बड़ा थोड़ा डालना है, क्योंकि इसमें सॉल्ट बहुत ज़्यादा है। वेरी केयरफुल, मैं एक दफ़ा ट्राई कर चुकी हूँ तो इसलिए मैं अब ये शेयर कर रही हूँ। और ये आप बड़ा फैंसी सा आपकी दावत के लिए आप काबली पुलाव बना सकते हैं, और ये आप ज़रूर ट्राई करें। मैं तकरीबन आधा घंटा मैं चावल भिगोऊंगी। सबसे पहले मैं डालूंगी पैन में 1 टेबल स्पून ही देसी घी का डाला है। अनियन स्लाइस किया, मैं ये डाल दूंगी। अब हम इसको लाइट गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। ये जी लाइट गोल्डन ब्राउन हो गया हम लोगों का प्याज, इसमें मैं थोड़ा सा पानी डाल, ज्यादा ब्राउन ना हो जाए। ये जो चने हैं ये डाल देंगे। अब चनों को हम अच्छी तरह भून सा लेंगे। चने हमारे अच्छी तरह भून गए हैं, और ये देखें घी भी इनका निकल आया। आपने मेक श्योर इतने आपने भूनने लाइट गोल्डन सी हो जाए। 2 कप मैंने चावल लिए हैं, 2 कप ही मैं पानी का डालूंगी। इसमें चिकन क्यूब्स मैंने आपको बताई थी, इनको ज़रा सा ऐसे मसल के ज़रा डाल देंगे तो ज़रा जल्दी घुल जाएंगे। अब इनको जब एक दफ़ा ये पानी उबलेगा तो हम इसमें चावल डाल देंगे। इसको मिक्स कर लें आप। काबली पुलाव की बात मैंने की थी। अच्छा, इसका मसाला जो सा है, मेक श्योर कि आपने सॉल्ट जो सा है ना ही डालें तो बेहतर है, क्योंकि जो हमने चिकन क्यूब्स डाली हैं उसमें भी सॉल्ट आपको पता होता है। ये जो काबली मसाला मैं आपको बता रही हूँ इसमें भी सॉल्ट है, सिर्फ आपने 1 टीस्पून डालना है, ज़्यादा ना डालें क्योंकि इसमें नमक बहुत ज़्यादा है। बस आप ये डाल दें, इसको मिक्स करके अब हम इसको ज़रा कवर कर देंगे ताकि इसमें बॉयल आ जाए। अब जो बाकी इसकी गार्निश की चीज़ें हैं काबली पुलाव की, वो हम करने लगे हैं रेडी। इसमें मैं 1 टेबल स्पून जो सा है वो मैंने बटर घी डाला है जी। हमने इसकी हीट जो सी है वो लो टू मीडियम रखनी है। सबसे पहले बादाम डालूंगी, सिर्फ 1 मिनट के लिए आपने करने, ज़्यादा नहीं करने। 1/2 मिनट हो गए हैं बादाम को। इसके साथ ही मैं ये काजू डाल दूंगी, इसको भी हल्का सा साथ कर लूंगी। इसके साथ सुल्ताना जो डाल दूंगी, इसको भी मैं साथ ही फ्राई कर लूँगी। अच्छा जी, ये हो गए, इनको मैं अब निकाल लूँगी, और इसमें अब हम गाजरें करेंगे इसके बाद। अच्छा, जो थे पिस्ते बादाम थे वो हमने निचोड़ के निकाल लिए हैं ताकि घी ना उसमें जाए हमारा। ये ऐसे मैंने ये निकाल लिए हैं इनको। अब जो सा ये गाजरें हैं मैं इनको डालूंगी इसमें। अब ज़रा इनको भी हम थोड़ा सा फ्राई सी कर लेंगे गाजरों को। इस स्टेज पे मैं इसमें 2 टीस्पून मैं शुगर की डाल रही हूँ इसमें। बस अब हम इसको उतार लेंगे। तकरीबन ये 2 मिनट के लिए मैंने इन गाजरों को कैरमलाइज कर लिया। ये पानी उबलना शुरू हो गया, अब मैं इसमें ये चावल डाल दूंगी। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं अमूमन कढ़ाई वगैरह में सर्व करती हूँ, चावल मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं दम उसी में लगाऊँ जिसमें मैं सर्व करूँ, इसलिए मैंने इसमें इसका सारा जो है चने वगैरह इसमें नई कढ़ाई में डाल लिए थे ताकि ये सर्विंग हो जाए अच्छी तरह से। अच्छा जी, अब मैं ज़रा इसको कवर कर दूँगी 2-3 मिनट की ताकि इसको अच्छी तरह उबाला आ जाए। अच्छा जी, ये देखें, ये हम लोगों के तकरीबन चावल जो से हैं हो रहे हैं। अभी ज़रा सा मैं और इसको कवर करके रखूँगी, भी थोड़ा सा पानी है इसमें। इस स्टेज पे ये चावल रेडी हो गए हैं, बस हमने इस स्टेज पे इनको दम लगाना है। अच्छा, मैं क्या करूँगी कि मैं थोड़े से जो से बादाम और मेवे वगैरह हैं आधे वो मैं बीच में मिक्स कर दूँगी, और आधे हम ऊपर गार्निश के लिए रखेंगे। वही मेरा ओल्ड फैशन जो सा है कपड़े वाला दम मुझे पसंद है। मैं कपड़ा लगा के ढक्कन के साथ, और मैं इसको 10 मिनट के लिए दम पे रख रही हूँ। ये 10 से 15 मिनट हमने इसको दम दिया है। ये हमारा काबली पुलाव रेडी है। इसके ऊपर मैं थोड़े से फ्राइड ऑनियन डालूंगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और फॉलो करें। थैंक यू वेरी मच जी।